51 साल के एक आदमी को अपने पालतू कुत्ते के साथ खेलना काफी महंगा पड़ा। इस वजह से उन्हें अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा था। अमेरिका के आयोवा इलाके के एक व्यक्ति ने इमरजेंसी नंबर डायल कर कहा कि उन्हें कुत्ते ने गोली मार दी है। ये घटना तब हुई जब वो अपने पालतू कुत्ते के साथ खेल रहे थे। फोर्ट ब्रिज के रहने वाले शख्स रिचर्ड रेमे इस घटना के शिकार हुए थे। उनके अनुसार वे अपने क्रॉस ब्रीड कुत्ते बालेव को अपनी गोद में कूदना सिखा रहे थे। इसी दौरान उनके कुत्ते ने उनकी पिस्टल की सेफ्टी क्लिप खोल दी। बेल्ट में पिस्टल लगी हुई थी। ऐसे में जब गोद में आने के लिए कुत्ते ने दोबारा छलांग लगाई तो उसके पैर की उंगलियों में फंसकर पिस्टल की ट्रिगर चल गई। इसके बाद उसने इमरजेंसी सर्विस को कॉल कर कहा कि कुत्ते ने गोली मार दी है। पीड़ित के अनुसार गोली उनके पैर में लगी और अच्छी बात यह रही कि गोली से ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। वहीं एक्सपर्ट ने सेफ्टी लगे होने के बाद भी कुत्ते द्वारा गोली चलाए जाने की घटना पहले कभी नहीं सुनी थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा।